हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इसमें बात करने वाले हैं बीपीएस जॉब्स के रिगार्डिंग। सो आइदर ये आप एसेंचर में देख रहे हो, टीसीएस में देख रहे हो, विप्रो, इन्फोसिस, सारी जो भी एमएनसीज कंपनी है उसमें अगर आप लोग बीपीएस जॉब के रिगार्डिंग सोच रहे हैं तो मैं आप सबको इसमें सारा डिटेल में आपको सबको बता दूंगा। कितनी सैलरी होती है, कितना मतलब शिफ्ट क्या होता है, दिन में जॉब करनी होती है या रात में होती है, कैसे काम करना पड़ता है और कितनी आप सबको अगर नाइट में काम करते हैं तो कितना आपको सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा कितना पे मिलेगा, क्या आप सबको कैब प्रोवाइड की जाती है कि नहीं अगर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सो यार देखिए, मैं टीसीएस चाहे हो, चाहे एसेंचर, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर उस आप बीपीएस के लिए जॉब देखते हैं तो सैलरी सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए यार, सैलरी इसकी वेरी करती है, एक्चुअली 1.5 LPA टू 3 LPA के करीब इसकी सैलरी होती है रेंज। सो फर्स्ट ईयर में कम होती है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो अगर मंथली आप सबको बोला जाए कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, आपको आपके खाते में कितनी सैलरी आएगी, देखिए सो ये 11-12 हज़ार से लेके 15-16 हज़ार तक आपके सैलरी में आ सकती है आपके अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि यार ये जॉब में करना क्या पड़ता है। देखिए यार, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सो अगर हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं, मतलब न्यू ज्वाइनिंग हुई हम लोगों को, तो हम लोगों को वहाँ पर जाएंगे सीधा काम करना शुरू करेंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, उससे पहले का जो प्रोसेस है, जैसे कि मान लीजिए को उसको लैन से कनेक्ट करना है और ढेर सारे मतलब जो केबल्स कनेक्टिविटी होती है, इसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर डलने चाहिए वो लोग वहाँ पे देखते हैं, करते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। इसके साथ साथ और एग्जांपल दूँ तो यार, जैसे कि अगर दूसरी कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि फाइनेंस का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, सो सारी अगर दूसरी कंपनी के लिए अगर टीसीएस या कोई भी कंपनी लेती है, दूसरी कंपनी के लिए काम करती, तो वो सारा काम आप सबको संभालना कर, तो इसमें कईयों तरीके का काम होता है। सो ये मैं आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि इस ये ऐसा काम करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यार कि इसमें शिफ्ट, देखिए शिफ्ट जनरल शिफ्ट भी हो सकता है, मतलब मॉर्निंग 9 to 6 PM, आइदर हो सकता है कि आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर नाइट शिफ्ट में अगर काम करते हैं तो 200 रुपये पर डे अलाउंस मिलता है, ये फिक्स है, लगभग हर कंपनी में आपको 200 रुपये मिलेगा, प्लस आपको कैब प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपको घर से ऑफिस तक जाना हुआ तो आपको कैब कार से पिकअप किया जाएगा और फिर आपको ऑफिस छोड़ा जाएगा, और ऑफिस से ड्रॉप भी होता है आपके होम पे, घर पे। सो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सो देखिए यार, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो एटलीस्ट आप बीपीएस बीपीओ टाइप की अगर टेक्निकल, मान लीजिए नॉन टेक्निकल ही एक तरीके से है, बट हाँ इसमें थोड़ा चांसेस रहता है कि आपकी जब कहीं भी स्विच करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आप सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कुछ जॉब नहीं किया है तो एटलीस्ट बीपीएस की जॉब स्टार्ट करिए। कुछ लोग होते हैं यार जो बीपीएस स्टार्ट करते हैं और आईटी में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं मेहनती, जो यहाँ से शुरू करके और आईटी में भी अपना अच्छा खासा काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। सो आई होप आप सबके मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। और एक चीज़ और है यार कि कितने घंटे की जॉब होती है। सो देखिए, 9 आवर्स की जॉब होती है, जिसमें आपको लंच, टी ब्रेक और ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा देखिए जॉब में थोड़ा तो मतलब ऊपर नीचे चीज़ें होती है, बट हाँ ये सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। सैलरी आपका जैसे एक्सपीरियंस होगा अच्छा खासा हो जाएगा, इसके बाद आपको एक रूटीन मिल जाएगा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा चीज़ों को सही करने के लिए। सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। आप सबके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।